आई थिंक जो मैंने पढ़ा है न्यूज में उड़ता पंजाब के बारे में, तो मुझे बड़ा दुख हुआ है. आई थिंक इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट दैट द फिल्म इज गोइंग थ्रू सो मेनी प्रॉब्लम्स. एंड जहाँ तक मेरी जानकारी है, ये फिल्म है एक सोशल फिल्म है जहाँ जो पंजाब के यूथ में जो ड्रग्स का एडिक्शन है या नशे का एडिक्शन है उसके खिलाफ ये फिल्म है, तो इसमें एक अच्छा सोशल मैसेज भी है. तो मुझे लगना नहीं चाहिए कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ हो जो कटे या जो ऑडियंस को ना दिखाई जाए. सो दिस काइंड ऑफ थिंग रिफ्लेक्ट्स वेरी बैडली ऑन द CBFC. इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट. और आई थिंक 2-3 दिन में वो ट्रिब्यूनल के पास जा रहे हैं. तो मेरी माई बेस्ट विशेज टू द टीम एंड आई होप दैट इट गेट्स जस्टिस एट द ट्रिब्यूनल. एंड यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट फिल्म मेकर्स हैव अ वॉइस विच इज़ नॉट थ्रॉटल्ड. यू नो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी सोसाइटी. द वॉइस ऑफ द आर्टिस्ट शुड बी फ्री टू स्पीक व्हाट इट वांट्स टू स्पीक. आमिर, आपको लगता है सिनेमा इतना आगे बढ़ गया है, हमारा जो सेंसर बोर्ड है उसको भी कुछ चीज़ों में आगे बढ़ना चाहिए कि थोड़ी बहुत रियलिटी? नहीं, हमने मीडिया में तो पढ़ा था कि सेंसर बोर्ड में भी काफ़ी चेंजेस आए हैं, नई कमेटी बैठी है और उसमें कट्स नहीं होंगे, वो सिर्फ एज ग्रुप तय करेंगे कि कौन से उम्र के लोगों को फिल्म देखनी चाहिए. तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन कट्स जो हैं, जो अभी हम मैं पढ़ रहा हूँ दोबारा कि कट्स दिए जा रहे हैं फिल्म को, वो मुझे अजीब लगता है. पता नहीं, मैंने फिल्म देखी नहीं है लेकिन सुनने में मुझे अजीब लगता है. और like सिर्फ बॉलीवुड नहीं, हर इंसान, हर हिंदुस्तानी जो चाहता है कि उसकी आवाज़ बुलंद रहे और फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे पास रहे, उसको इसमें जुड़ना चाहिए. और खैर, वो ट्राइब्यूनल तो फिल्म देख रही है और हमें उम्मीद है कि ट्राइब्यूनल जो है इस फिल्म को जस्टिस देगी. एंड आई होप दैट द टीम गेट्स ड्यू जस्टिस एज दे डिजर्व. सो थैंक यू सो मच.